अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा जो है सेकंड व्लॉग है और आज जो है हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ में हम लोग जो मंथली जो ग्रॉसरीज होती हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको चलते ही जाके दिखाऊंगा, वहाँ की व्यू दिखाऊंगा। असल में ये इम्तियाज़ जो है इस्लामाबाद में लोकेटेड है और मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, बनीघाला के अंदर। तो चलते हैं, आपको जाके दिखाते हैं इम्तियाज़ कैसा है, इम्तियाज़ और क्या हमने शॉपिंग करी। गाइस ये चेक करें कि पहाड़ जो है कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये असल में बनीगाला की पहाड़ियाँ हैं। बनीगाला से आपको कुछ याद आया होगा, इमरान खान जिंदाबाद। और आप ये देखेंगे बिल्कुल काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये हम लोग जो है लेफ्ट हो जाएंगे अब यहाँ से। ये इस्लामाबाद की ख़ासियत ये है कि यहाँ पे जो है सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जैसे कि कराची रोशनी का शहर है, तो ये खूबसूरती का शहर है। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि अब सबका ही मानना है ये। तो ये देखें, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। और आज जो है बनीगाला के अंदर यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जो है आज बारिश का भी इम्कान है कि बारिश हो सकती है, तो देखें क्या होता है। गाइस ये देखें, अब ये रावल डैम आने वाला है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रावल डैम पूरा दिखाऊँ। ये देखें रावल डैम का पानी आपको अभी नज़र आने वाला है। ये देखें कितना बेहतरीन खूबसूरत व्यू है, चेक करें आप। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको रावल डैम का पूरा टूर करवाऊंगा और आप लोगों को एंटरटेन करूंगा। गाइस ये देखें, इम्तियाज पार्किंग का इंतज़ार कर रहे हैं, पार्किंग करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, आपको पता है। तो चलते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से ट्रॉली ले रहा हूँ शॉपिंग के लिए, ट्रॉली ले रहा हूँ। ये देखें, गाइस ये शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब जो है सामान जो है गाड़ी में जा रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सामान जो है ये लेके जा रहे हैं। ये देखें सामान जा रहा है। तो गाइस ये हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, तो हमारी वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।